हिमाचल प्रदेश कर्मचारी कल्याण मंच जिला हमीरपुर की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मासिक बैठक में तीन महत्वपूर्ण समस्या कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन का स्थायी समाधान और 70-75 वर्ष के आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना आदि विभिन्न मांगों पर चर्चा की गयी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी कल्याण मंच जिला हमीरपुर की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मासिक बैठक में तीन महत्वपूर्ण समस्याएं कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन का स्थायी समाधान और 70-75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना आदि विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में कर्मचारी कल्याण मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही बैठक में जिला अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को नववर्ष और लोहड़ी की शुभकामनाएं भी दी गई। कर्मचारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ने कहा कि मासिक बैठक में तीन महत्वपूर्ण समस्याएं कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन का स्थायी समाधान और 70-75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना आदि विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों ने भी इन तीन मांगों में अपनी सहमति जताई है और जल्द ही तीनों समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। साथ ही जिला अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को नववर्ष और लोहड़ी की शुभकामनाएं दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 56वें जन्मदिवस की बधाई दी। बैठक में अध्यक्ष द्वारा पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी कल्याण मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हुआ है उसकी भी कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी गई। इस अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की थी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इन मांगों का हल निकाला जाएगा। प्रकोष्ठ कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक अधिवेशन पालमपुर में 29/12/2019 को हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे और उनके साथ राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, भारत सरकार, वो भी उनके साथ आए हुए थे। वहाँ पर पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी महासंघ ने जो मांगें रखी वो तीन ही मांगें मुख्य थी, जिसमें सबसे पहली मांग थी कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को दी जाए, और दूसरी मांग थी कि एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जो समय पर नहीं मिलती है उसका स्थायी समाधान प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी करे। तीसरी मांग थी 65-75 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को 5-10-15% की वृद्धि जो है दी जाए। इन मांगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा जी ने दोहराया और इन पर सभी जितने भी 22 राज्यों से कर्मचारी आए हुए थे उन्होंने इसका समर्थन किया कि ये मांगे जायज हैं। और इस पर श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इनकी मांगों पर जो है गंभीरता से इन्हें लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि ये तीनों ही मांगे जो है गंभीर है, गंभीर समस्या है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने के उपरांत कोई निर्णय लिया जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें पूरा किया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।